दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनिकेत गीता ब्लॉग में। दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे दोस्तों, और अपने अपने ज़िंदगी में मस्त होंगे दोस्तों। तो चलिए आज का अपना जो है वो रूटीन दिखाते हैं। सुबह में बहुत ज़्यादा व्यस्त टाइमिंग होता है दोस्तों, और भागा भागी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं बच्चों को। मुझे बहुत दूर स्कूल लेकर के जा करके छोड़ना होता है, तो चलिए उसका कुछ झलक आपको भी दिखा देते हैं। तो एक को बाल बांधा जा रहा है, एक का बाल बंध चुका है और पानी नीचे है जा ना, रही है लग बच्ची, रुचे तैयारी और ये कुछ ले रही है। देखिए फ्रिज ये में बेटा से पानी है। क्रीम लगा रही है। गीता बच्चों के लिए पानी भरने लगी है, और अब हम जल्दी जल्दी जो है वो अपना गाड़ी उतारने का व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए हमारा गाड़ी कितना ऊंचा पे रहता है और इसको किस तरह उतारना होता है। हर कोई से गाड़ी न उतरेगा न चढ़ेगा दोस्तों, केवल मैं ही चढ़ा पाता हूँ और उतार पाता हूँ। काफ़ी नीचा है ये, तो देख पा रहे हैं काफ़ी लंबा। देख, और इस तरह से भागा भागी रहता है, क्या कि बच्चे को ना बहुत ज़्यादा अभी लेट हो गया है। और एक तो अभी ऊपर ही है, एक ही आई है मेरे साथ में जो वीडियो शूट कर रही है, और एक अभी ऊपर ही है। अब उसको बुलाएंगे, आवाज़ देंगे, वो आएगी। आजा टुक टुक आजा। तो दोस्तों अब चलिए, अब चलते हैं जल्दी जल्दी, और बच्चों को जो है वो छोड़ करके आते हैं। तेज में जाना पड़ता है स्कूटी से हम लोग जो है, और जाते हैं तीनों, और इसे हम यमुना विहार तक के छोड़ करके आते हैं। करीबन 5 किलोमीटर के लगभग यही मेरे घर से पड़ता है, तो वहाँ मैं इसको 5-6 किलोमीटर के लगभग एप्रोक्स पड़ता है, तो वहीं पर ही हम इसको छोड़ के आते हैं इन लोगों को, और जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। ये आप देख पा रहे होंगे, और थोड़ा सा जो है इधर की जो रास्ता भी है वो थोड़ा थोड़ा ख़राब है दोस्तों, तो इस वजह से है जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। और इधर में देखिए अब हम जो है शिवबिहार पहुंच गए हैं, और अब हम यमुना बिहार वाली जो रोड है उस पर चल रहे हैं। देख रहे होंगे सुबह सुबह भी कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है। ये आगे जो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं वो भी सुहानी के स्कूल में ही पढ़ने वाले बच्चे जा रहे हैं, जिनका पिंक ड्रेस था। और अभी आप लोगों को दिखाएंगे कितने ज़्यादा जो बच्चे जो हैं वो यमुना बिहार में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये सारे जितने भी जो गाड़ियां जा रही हैं ये सभी बच्चे को केवल ही छोड़ने जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है ये भी बच्चे स्कूल के ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इसलिए मॉर्निंग में होता है 6:30 बजे के करीब में, क्योंकि यहाँ पर ही जितने भी बच्चे बाय बाय बेटा, और ये चले गए ये दोनों, और ये देखिए अब जो अब हम लोग जो है वो चल रहे हैं थोड़ा सा बाजार, और बाजार से लाना है। ये देखिए बच्चों ने सारे पर्ची बना करके दे दिया है, तो हम दोनों जा रहे हैं बाजार से थोड़ा सा सामान, हाँ घर का राशन लाना है जी, चीनी नमक चीनी तेल और चावल जो है वो लाना है, और चाय पत्ती और पॉपकॉर्न होता है वो 10 रुपया के, वो भी चाहिए, लिखे लिखे हुए हैं सुहानी का फरमाइश है। तो अभी हम लोग चलिए हम ले करके आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जो है वो करावल नगर चौक पे पहुंच गए हैं, और चौक पे बहुत ज़्यादा जो है वो जाम लगा हुआ है। करीबन 2-3 घंटे से लोग बता रहे हैं जो जाम लगा हुआ है। तो हम एक साइड में खड़े हो गए हैं, और सामने का दुकान जो है वो मॉल है, उस मॉल से गीता ये सामने वाली जो मॉल है जिसमें डिस्प्ले चल रही है उसके अंदर से गीता जी जो हैं
वो कुछ सामान खरीदने के लिए गए हैं। ये किया बाजार के नाम से खुला हुआ है, ये मॉल है यहाँ पर ही करावल नगर में। और देखिए गाड़ी कैसे है, वो सारे गाड़ी रुके हुए हैं, ट्रक है। और इससे आगे थोड़ा सा और ज़्यादा जो है वो जाम है, तो हम लोगों को भी जाने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो हम अभी कुछ देर के लिए ही, तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो है वो सारा सामान खरीद करके ले आए बच्चों का जो है वो। ये देखिए क्या क्या बढ़ के आ गया है, तेल भी आ गया है, और ये देखिए चाय पत्ती भी आ गया है, और ढेर सारा सामान जो है वो हम लोग सारा लेके आए। ठीक, सोयाबीन लाए हैं, सोयाबीन है, चीनी है, बेसन है, चाय पत्ती है, ये सर महापोष का नया पैक रिफाइन ऑयल, और सरसों ऑयल भी लाए हैं जो भी बच्चों ने ले लिए हमारे हाथों से। तो दोस्तों हम लोग फाइनली घर पे पहुंच गए हैं, तो अब हम लोग जो है वो अब खाना खाएंगे। जो चावल लाए हैं वो बनेगा, तो फिर हम लोग खाना खाएंगे। दोस्तों बड़ी दिन बाद हमें पक्का चावल खाने को मिलेगा। पक्का चावल यानी कि दिल्ली में उसना चावल को पक्का चावल बोलते हैं। और ये देखिए, तो दोस्तों आप लोगों को हमने अपना जो है ब्लॉग वीडियो दिखाया। आप लोगों का मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग वीडियो को यहीं तक के रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।